और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। शाहजहांपुर में आपको बता दें कि नशे पर कांड पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 400 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत लाखों में फिलहाल बताई जा रही है। इसी के साथ 1,60,00,000 रुपए फिलहाल इस स्मैक की कीमत आंकी गई है। ये बड़ा एक्शन नशे के कारोबार पर फिलहाल पुलिस की तरफ से किया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी का खुलासा किया गया और इसी के साथ अन्य साथियों के साथ भी मिलकर तस्करी आरोपी करता था। पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के अंदर तस्करी होती थी स्मैक की, जिस पर पुलिस की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल करोड़ों रुपए जो है वो स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में बताई जा रही है। सर, एक कांड पुलिस को सफलता मिली है, मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार किया, क्या बरामद किया, कैसे सफलता प्राप्त हुई? कांड पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, रामनंदन जिसका नाम है। इसके पास से 400 ग्राम स्मैक बरामद हुई है फाइन क्वालिटी की, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1.5 करोड़ के लगभग बताई जा रही। इसका कहना था कि ये बहुत पहले से कारोबार करता था, जलालाबाद का कोई व्यक्ति इसको सप्लाई देता है और ये इसको लेके आसपास के जनपदों में या यहाँ के कुछ लोगों को बेचता है। इस संदर्भ में और जानकारी की जा रही है। जब ये स्मैक बेचने के लिए जा रहा था तो भी इस पुलिस को सूचना मिली और इसे गिरफ्तारी की गई है। इसमें इसे गिरफ्तारी करके बरामदगी करके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो नशे पर आपको बता दें पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। 400 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत लाखों में बताई जा रही है और आपको बता दें कि फिलहाल 1,60,00,000 रुपए इस स्मैक की कीमत को आंका गया है। साथ ही साथियों के साथ मिलकर आरोपी के द्वारा स्मैक की तस्करी होती थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरविंद त्रिपाठी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, फिलहाल किस तरह से ये पूरा मामला रहा है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है आरोपी के पास से और क्या कुछ बरामद किया गया है और साथ ही आगे पुलिस की क्या कार्रवाई रहने वाली है? जी विशाखा, आपको बता दें ये कांट थाना पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये तस्करी का पूरा एक गिरोह चल रहा था। इसके कुछ साथी इससे पहले भी अफीम की तस्करी में जेल भेजे जा चुके हैं, जिनके पास से काफी बरामदगी भी हुई थी। ये जो बचा हुआ था इसकी तलाश काफी दिनों से पुलिस कर रही थी और इसे 400 ग्राम स्मैक के साथ में कांट थाना क्षेत्र में ही गिरफ्तारी इसकी की गई है। और ये जो है ये पहले से भी तस्करी में संलिप्त रहा है। ये यहाँ से जलालाबाद का ही एक युवक है, वो इसको ये स्मैक उपलब्ध करवाता को ले जा करके झारखंड और उत्तराखंड, पंजाब आदि राज्यों में इसकी बिक्री किया करता था। तो ये एक बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है कांट थाना अध्यक्ष जयशंकर सिंह द्वारा और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार जनपद में जो मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक अभियान चला करके ये इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। विशाखा जी, बिल्कुल, और फिलहाल जिस तरह से अन्य आरोपी के साथ मिलकर आरोपी के द्वारा जो तस्करी है वो होती थी स्मैक की, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, तो यहाँ से आरोपियों की जो अन्य की तलाश है वो भी पुलिस के द्वारा की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जो पुलिसिया पूछताछ की गई है, पूछताछ के दौरान जो अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, ऐसा पुलिस के आला अधिकारी जो है उनका कहना है कि पुलिस जो भी जांच आगे भी जारी रहेगी और जो नाम प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर भी उनकी गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जाएगा। और इस तरीके से जो मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ लगातार एक अभियान जनपद में चल भी रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा। जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनकी भी गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। जी विशाखा, बड़ी सफलता पुलिस की कही जा सकती है क्योंकि जितना बड़ा तस्कर ये बताया जा रहा है, जिस तरीके से अलग अलग कई राज्यों के अंदर पूरी चेन है इस तस्करी को लेकर, तो कहीं ना कहीं पुलिस एक बड़े गिरोह का भी यहाँ से पर्दाफाश कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं आपको बताता चलूं, इसके पूर्व में इसके जो अन्य साथी थे वो मादक पदार्थ की तस्करी करने में ही अफीम उनके पास से बरामद हुई थी, उन्हें जेल भेजा जा चुका था। एक ये साथी जो बचा हुआ था इसकी गिरफ्तारी आज की गई है। हालांकि और भी जो पूछताछ में नाम प्रकाश में आएंगे ऐसा पुलिस का कहना है कि उनको भी गिरफ्तार करके और ये पूरी चेन तोड़ते हुए और इसको बहुत जल्दी ही गिरफ्तारी करके उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ऐसा पुलिस के अधिकारियों का दावा है। चलिए देखना होगा आगे किस तरीके से जो कार्रवाई है वो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तरफ से रहती है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।